फिल्मी दुनिया में रिश्तों की कहानी बड़ी दिलचस्प होती है। रियल लाइफ के रिश्तों का असर कभी सिल्वर स्क्रीन पर दिखता है और कभी नहीं। वे रियल लाइफ की करवाहट को भुलाकर रियल लाइफ में हंसते खिलखिलाते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ रणवीर कपूर और कैटरीना कैफ के बीच हुआ है। रणवीर कपूर और कैटरीना कैफ ऐसे ही बिंदास एक्टर्स में शामिल हो गए हैं। ब्रेकअप के बाद दोनों पहली बार जग्गा जासूस में आ रहे हैं और आजकल इसका प्रमोशन भी कर रहे हैं। प्रमोशन के दौरान दोनों में नोकझोंक चलती रहती है, मगर ये माना जा रहा है कि जग्गा जासूस रणबीर कपूर और कैटरीना की नोकझोंक की वजह से डिले हुई है। बहरहाल यह सच है कि दोनों ब्रेकअप के बाद एक साथ आ रहे हैं। वैसे रणबीर कपूर ये कारनामा दीपिका पादुकोण के साथ भी कर चुके हैं। ब्रेकअप के बाद दोनों यह जवानी दीवानी में साथ आए और फिल्म जबरदस्त हिट रही। कैटरीना के कैरियर को पुश करने में सलमान खान का काफ़ी योगदान रहा है। कई साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद कैट ने उन्हें छोड़कर रणवीर का हाथ थाम लिया था, मगर दोनों प्रोफेशनल एक्टर्स हैं और एक था टाइगर में जब साथ दिखे तो लगा ही नहीं कि ब्रेकअप हुआ होगा। सलमान और कैटरीना की जोड़ी एक बार फिर टाइगर जिंदा है में एक साथ आ रही है। शाहिद कपूर और करीना कपूर के बीच रिलेशनशिप काफ़ी चली, पर जब वी मेट की शूटिंग के दौरान दोनों अलग हो गए। उड़ता पंजाब के लिए शाहिद और करीना फिर एक मंच पर साथ आए। हालांकि इस दौरान दोनों की ज़िंदगी बदल चुकी थी और दोनों शादी कर चुके थे, मगर दोनों ने प्रमोशनल इवेंट को ज़रूर शेयर किया।